हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतीय धरोहर और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है। 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के अंदर मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये जो मंदिर निर्माण हो रहा है, ये कोई आम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा। वैसे तो भारत के अंदर लाखों मंदिर हैं, विश्व के अंदर करोड़ों मंदिर होंगे, पर राम जन्मभूमि का स्थान ऐसा स्थान है जिसको पूरा विश्व का हिंदू मानता है, और इसके लिए कितने संघर्ष हुए उसकी पूरी जानकारी मैं आपको, जितनी समझ है मैं आपको बताना चाहूंगा। तकरीबन 492 साल का यह संघर्ष है हमारे हिंदुओं का, हमारे सनातनियों का, जो हमारे महापुरुष योद्धाओं ने तकरीबन 74 बार इसके लिए युद्ध किया, इसको आजाद कराने के लिए। अफगानिस्तान से एक आताई, एक हमलावर बाबर भारत में आया और इस्लाम का प्रचार करने लगा, आताई करने लगा। उसका एक सेनापति मीर बाकी था, जिसने अयोध्या में के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर जो था उसको तोड़कर बाबरी ढांचा खड़ा करने की कोशिश की। उसके बाद हजारों संघर्ष हुए जिसमें तकरीबन 492 साल लगे, इतना बड़ा संघर्ष हुआ, और 150 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हमें वो स्थान मिला। हमें कोई थाली में परोसकर वो स्थान नहीं मिला, इतना संघर्ष हुआ, लाखों लोग इस राम जन्मभूमि के लिए शहीद हो गए, राम जी के मंदिर को आजाद करवाने के लिए। भाइयों, 1990 के अंदर 30 अक्टूबर का दिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी और कार सेवा का संतों ने ऐलान किया, तो राजपुरा से भी सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या के लिए कूच करे, और उनमें हम भी थे, और हम 6 लोगों का जत्था लेकर चले थे, और हजारों कार्यकर्ता राजपुरा से गए थे अयोध्या के लिए। बहुत से कार्यकर्ता जेलों में ठूस दिए गए, पर हनुमान जी की कृपा से, राम जी के आशीर्वाद से हम 6 लोग लखनऊ के अंदर पहुंचे, और उसमें से एक व्यक्ति बहुत भारी था, प्रेम जी शर्मा, वो वापस आ गए। हम 5 लोग लखनऊ से अयोध्या तक पैदल मार्च किया। रास्ते बंद थी, सड़कें जाम थी, जगह जगह पुलिस थी, जगह जगह पहरा था, और प्रशासन का आदेश था जहां भी कार सेवक मिले उसको पकड़ के जेल में डाल दो। हम पर हनुमान जी की कृपा थी, हम 5 लोग लखनऊ से पैदल खेतों से छिपते हुए अयोध्या की तरफ कूच करने लगे। रास्ते में एक गांव में दंगा हो गया, आगजनी हो गई, और हम मंदिर में शरण लिए और हम रात को वहीं पर रुके। हमारा एक साथी फिर और वापस आ गया, जिसका नाम नागपाल था, धर्मवीर नागपाल, वो वापस आ गया। हम 4 लोग पैदल चले, मेरे साथ एक नारायण दास जी थे जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं, एक जगदीश कुमार जग्गू है वो पलेदारी का काम करता था, एक और यूपी का हमारा कार्यकर्ता था वो हमारे साथ था। हम 4 लोग 2 नवंबर की जो फायरिंग हुई है अयोध्या के अंदर, उसके बीच में हम थे। तो भाइयों, राम भक्तों, राजपुरा से भी बहुत लोगों ने संघर्ष किया इस अयोध्या आंदोलन में, और जब 2 नवंबर को वहां पर फायरिंग की मुलायम सिंह की सरकार ने,
उस फायरिंग में हम लोग थे। और 3 तारीख को जब स्वामी राम वामदेव जी महाराज जी ने प्रवचन किया और उन्होंने कहा मणिराम छावनी के अंदर, उन्होंने कहा जितने भी कार सेवक यहाँ पर हैं, आज के बाद कोई भी मिलता है उसको जय श्री राम जय श्री राम के नारे से संबोधित करें। स्वामी वामदेव जी महाराज को कोई संत मिलता, कोई भगत मिलता, तो उससे पहले नमो नारायण कर वो संबोधित करते थे। उसके बाद सभी से सौगंध दिलवाई कि आपको कोई भी मिले आपने राम राम जय श्री राम का संबोधन करना है। तो उस दिन के बाद हमने भी उनको वचन दिया, जो भी हमें भगत जो संत जो मित्र मिलेगा हम उसको संबोधन जय श्री राम के नारे से करेंगे। तो हमारा तो जीवन ही राम काज के लिए हुआ है। मेरे गुरु हनुमान जी हैं, उनसे प्रेरणा लेकर मैं राम जी के कार्य में चला हूं। और राम जी का कार्य है ईश्वरीय कार्य है, और राम जी देश और समाज के लिए काम करते थे। हम भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। राम जन्म भूमि का आंदोलन देश के अंदर ऐसा आंदोलन चला कि हिंदू के अंदर जागरण हो गया। हिंदू सोया हुआ था, आज हिंदू जाग गया है। और जैसे राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया गया और राम जन्मभूमि हम हिंदुओं को सनातनियों को हमें दे दी गई, और मुझे पूर्ण आशा है कि हिंदुस्तान में जो भी ऐसी शक्तियां हैं वो धराशायी होंगी और राम जी के भगत तरक्की करेंगे। और इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वो भी हिंदुओं को दे दिया जाएगा, मुझे पूर्ण आशा है। और हम अपनी आंखों से देखेंगे कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर भी ऐसे ही बनेगा जैसे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और मथुरा के अंदर भी श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि भी ऐसे ही बनेगी जैसे राम जी का मंदिर बन रहा है। और राम जी का मंदिर विश्व के अंदर ऐसा मंदिर बनेगा कि पूरा विश्व देखने के लिए आएगा। और मुझे पता लगा है कि उस दिन 5 तारीख को 50 देशों की मीडिया पहुंच रही है, जो 50 देशों में इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। श्री राम जी हमारे आराध्य हैं और राम जी का जो काज करेगा वही देश पर राज करेगा। जो राम विरोधी हैं वो धराशायी हो भी चुके हैं, आगे हो भी जाएंगे। अब हिंदुस्तान पर वही राज करेगा जो राम जी का काम करेगा। और जैसे कहते हैं भाई, राम जी का राज में शेर और बकरी एक साथ दूध पीते थे, एक साथ पानी पीते थे, तो ऐसे ही अब देश के अंदर जब राम राज आएगा तो हर गरीब हर अमीर बराबर में रहेंगे, सब में प्यार रहेगा, सब में खुशहाली होगी और भारत बहुत तरक्की करेगा। अब नास्तिक लोग देश के अंदर वो धराशायी होंगे, और जो आस्तिक लोग हैं जो भगवान को मानने वाले हैं जो मानवता को मानने वाले हैं वही एक दिन भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जो भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, भारत विश्व का गुरु बनेगा। भारत के अंदर गुरुकुल परंपरा थी, भारत के अंदर ऐसी शिक्षा थी, ऐसा ज्ञान था जो जिसको दुनिया मानती थी। ऐसे ही अब भारत बनने के लिए जा रहा है। अब सारी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत की संस्कृति बहुत महान है। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हम सबका भला चाहते हैं, हम विश्व का कल्याण चाहते हैं। ऐसी और कोई संस्कृति नहीं है जो मानवता के लिए विश्व के लिए काम करे। हम हर पौधे के अंदर, हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर वही परमात्मा देखते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये हमारी भारत की संस्कृति है, यही राम राज्य है। और संतों के मार्गदर्शन पर ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुझे पूर्ण आशा है कि भारत के संत पूरे विश्व को दिशा देंगे, और ऐसी दिशा देंगे कि भारत की तरफ सब देखेंगे कि भारत किस तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है जियो और जीने दो, ऐसी संस्कृति भारत की है और ऐसी संस्कृति पूरे विश्व के अंदर फैलेगी। जय भारत, जय हिंदुस्तान।